यूनाइटेड जीत सकती है ये कह रहा है इसका पहली लाइन ही यही है पॉडकास्ट की मैं कि यूनाइटेड हार सकती है मैं, मैंने बोला था मैं सपोर्ट करूंगा हां मैंने बोला था ना कि 1 महीने तक यूनाइटेड को सपोर्ट करूंगा आई मेड अ प्रॉमिस तो एकदम यूनाइट भाई यूनाइट आपको लग आर यू कॉन्फिडेंट कहीं से भी आई एम कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि वो एक होता है ना कि बस हरा ही देंगे कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ हरा देंगे बट हरा ही देंगे वाला कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं चाहे कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे वो वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर बिकॉज लीग की ब्यूटी यही है कि कभी भी कुछ भी कुछ हो सकता है ठीक है ठीक ना कम बहुत देखे हैं हमने एंड अभी तो स्कोर लाइन ही वन वन चल रही है मेड्रिड ने पी को धो दिया बुला कर वो भी एक गोल कंसीड करने के बाद एंड एटलेटो एटलेटिको अभी अपने पिछले चार गेम में काफी सही खेली है ठीक है ना

Say United Ho Atletico ko they are the clear favorites, and it's just Atletico and we have Ronaldo. No. It's a team game, it's not a it's not one player who runs the game for you. Yes, psychology psychology is a very big factor when it comes to football. But then again, records and everything are just on papers. What you'll be doing on the pitch for those 90 minutes matters the most. And United are very, very inconsistent with that. चलो ये बताओ लाइक जो पहले अभी तक कुछ मैचेस ऐसे हो रहे थे यूनाइटेड के जो अच्छा खेल रही थी पर जीत नहीं रही थी वॉटफर्ड के अगेंस्ट अच्छा खेली पर नहीं जीती चांसेस मिस करे उससे पहले भी ये होता आ रहा था अच्छा खेल रहे थे मतलब एटलीस्ट चांसेस बना रहे थे पर नहीं मार रहे थे अब इस अगेंस्ट पर स्पर्स उन्होंने चांसेस नहीं बनाए यूनाइटेड ने बट दे स्कोर्ड लाइक मतलब एफिशिएंसी इतनी थी, थी, थी कि बेकार चांसेस भी स्कोर करे और रोनाल्डो ने तो एक ऐसे आउट ऑफ नोवेयर गोल मारा ही था I wouldn't say जो स्पर्स वाली परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थीड बेम्स like,

बट इस इस इट्स स्पर्स स्पर्स का सीजन का फॉर्म वैसा ही रहा है जैसा हमारा रहा है ठीक है ना स्पर्स ने भी सिटी को हराया बट आकर फिर अपना नेक्स्ट गेम ही हार गए थे वो बनली के अगेंस्ट दे हैव हैड अ सीजन लाइक दिस तो एक गेम वो भी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जीतना जो कि बिल्कुल आप ही के लेवल पे परफॉर्म कर रही है गिव यू द कॉन्फिडेंस अगर आप सिटी को हरा देते ठीक है ना तो वो एक मेजर तो बूस्ट होता आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ एक मेजर बूस्ट होता

लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए ठीक है काफी लेवल प्लेइंग फील्ड यूनाइटेड अगेंस्ट ने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए थे बट ओवरऑल स्पीकिंग इट्स ऑल अबाउट दैट मोमेंट ऑफ मैजिक जो रोनाल्डो ने उस टाइम पे दिखाया था देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेसेस वेयर प्रॉबलीटिको कैन काउंटर दैम जो उनके जो टेक्निकली मिडफील्डर्स हैं

एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ऑप्शन है नहीं इसलिए मैं सोच रहा हूँ मतलब इफ इट्स नॉट रोनाल्डोज नाइट और प्रॉबलीफ इट्स नॉट सैज नाइट ऑल्सो बिकॉज ये दो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे यूनाइटेड के लिए अगेंस्ट एथलेटिको इफ इट्स नॉट ऑफ बोथ ऑफ दम It'll, i i am i'm finding it very hard uh, to actually imagine ki united can 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 come away with a result but there's jo mereko ek aur conversation karni thi jo mere hisab se bahut interesting hai united le thi rangnik ko in sense mein ki he is a better manager as compared to ole like in terms of he has a more diverse or better tactical plan compared to ole hmm. par

पर विद यूनाइट विद एटलेटिको क्या है आई रिमेम्बर फर्स्ट लेग में सिमियोने की सिमियोने पता क्या है? एक तो सिमियोने जब भेजेगा ये एक ऐसा लास्ट लेग ऑफ द टाई तो उसकी टीम आइदर कम्स आउट इन अ डिफरेंट मेंटल लेवल कि अच्छा हम कुछ भी करेंगे जीतेंगे हाँ कुछ भी लाइक आई रिमेम्बर दैट लिवरपूल गेम जो उन्होंने कम किया था कम बैक नहीं।, नहीं।, नहीं था मतलब ऐसे वो कम था फर्स्ट हाफ कम बैक था फिर छोड़ दिया

को वो नहीं बोल रखा था या तो कि उसपे से थोड़ा डिफेंसिव वो हटा दिया कि चल इतना मत भाग तू और ही जो ही वो था क्या नाम है मैं नाम भूल गया यार उनके लेफ्ट पे लोडी भाई लोडी। उसके जंप्स हाँ कि कितने टाइम्ड थे कि कब जंप करना है कब नहीं करना जब मिडफील्डर पे तब नहीं करना जब लिडोलॉक्स हाँ। पे तब करना है

देख या फिर रागनिक मुझे कभी भी रागनिक ऐसा मैच टू मैच मैनेजर कभी नहीं लगा है ठीक मतलब, है इवन बिफोर यूनाइटेड रागनिक वाज रागनिक इज अ ग्रेट मतलब रागनिक इज अ ग्रेट फुटबॉलिंग माइंड ठीक है बट नॉट ऑल ग्रेट फुटबॉलिंग माइंड्स कैन बी ग्रेट मैनेजर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है नॉट ऑल ग्रेट फुटबॉलिंग माइंड्स कैन एट टॉप लेवल टॉप लेवल पे दुनिया

and game by game you look at a certain impact of a certain team you look look at how the opponent is playing and then you assess your team you assess your system according on the basis of that now how i how from what we have seen how ragnick approaches this and a lot of other managers are in that philosophy as well how ragnick approaches a club is that he wants to change the club's institutional value only the club no, culture top टॉप टू बॉटम वो चेंज करना चाहता है उसके थ्रू वो एक मेथड ट्राई कर रहा है इंटीग्रेट करने को और उस मेथड को इंटीग्रेट करने में अगर लॉसेस मिल रहे हैं या उसको जो भी गालियां मिल रही गालियां खाता रहेगा बट ही कैन नेवर बी अ गेम गेम टू काइंड ऑफ अ मैनेजर ही कैन बी सीजन टू सीजन काइंड ऑफ अ मैनेजर बट ही कांट बी अ गेम टू गेम काइंड ऑफ अ मैनेजर बट यूनाइटेड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दे रिक्वायर दिस गेम टू गेम वाला मैनेजर लिटिल बिट मोर

अब मैंने एक ट्विटर पे देखा मतलब दिस इज अ मोर रीजनेबल ओपिनियन या फिर रीजनेबल अप्रोच टू तो यूनाइटेड बैकलाइन ट्रबल्स लाइक एक तो मैग्वायर एक बहुत वो रहे थ्रू आउट द सीजन की क्या करे गलतियां और ये सब व्हाट आई रेड इज की

कि मैं मतलब इस तो, गेम अच्छा खेला तो, था वो बट हाँ तो वही हुई कि अच्छा मैगवायर ने हगा और ये सब वगैरह तो वाई नॉट बेंच हिम ऑब्वियसली सफर करेगी कहीं ना कहीं यूनाइटेड वो है कि यू गेट एकदम उस जो सही कर रहा है वो भी तुम्हें वो रिप्लेस नहीं होगा बट यू विल प्रोटेक्ट मैगवायर आइदर फॉर लाइक एक तो उसकी वो इमेज सॉर्ट ऑफ बच रही है कि अच्छा ये इतनी मिस्टेक नहीं कर रहा फिलहाल और ऊपर से खुद को भाई उसका कित... भाई उसे बुरा नहीं लग रहा होगा जैसे हैं और बहुत होते हैं लोंगले है में और ऐसे फलाना प्लेयर्स अलग -अलग क्लब से। वो ऐसा हो गया हरकत उसके अंदर एक हरकत आ गई है अब क्योंकि इतना उस... वो है ना सेल्फ क्या कहते है उसे? सेल्फ कर देते हैं लोग होगा तो वो सोच सोच के वही हो जाते हैं वो चीज कर रहे वो Thinking mistakes to life. True, true. the thing is depressed तो काफी लंबे टाइम से ये चला आ रहा है ठीक है तो ना and वो बेसिकली उसकी गलती की वजह से ही हो रहा है इट्स नॉट अबाउट के लोग लो उसके प्राइस टैग की वजह से उसको बोल रहे हैं ही इज मेकिंग मिस्टेक्स एंड वो मिस्टेक्स रिपीटेडली हो रही है इसीलिए उसको बार 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 हाईलाइट किया जा रहा है जस्ट डोंट प्ले हिम बिकॉज ही इज वेयरिंग दमेंट और यू पेड एट्टी फाइव मिलियन फॉर हिम अगर वो आपके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करा बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट द क्लब इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स आप एज अ क्लब अगर सक्सीड करना चाहते हो तो आपको कभी ना कभी इस चीज का रिस्क लेना पड़ेगा कि ठीक है है कैप्टन दिए एट्टी फाइव मिलियन बट वी आर रॉन्ग

आप हाथ में आप हरिंग मकवाइर रख रहे हो ठीक है प्लेयर ठीक है एंड एक हाथ में यूर प्रॉब्ली पुटिंग

वो कैसे परफॉर्म करेंट से डिफेंस ही बेटर हो सकती थी एंड असिबिलिटीड का ओवरऑल प्ले भी बेटर हो सकता है कीपर इजली पर्सन कैन एक्चुअली विजुलाइज द होल प्लेन ऑफ हिम तो आप, आप बहुत सारे बॉक्स को शायद

एक तरीके से कॉस्टलीस्ट डिफेंडर हो प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में अभी तक के ठीक है ना यू हैव स्ट्रगलिंग यूनाइटेड टीम जिसने पिछले नौ साल में कुछ नहीं जीता प्रीमियर लीग के टर्म्स में ठीक है ना लास्ट ट्रॉफी साल पहले जीती थी यूरोपा लीग उसके बाद से कुछ नहीं, नहीं जीते इन योर फर्स्ट सीजन एज इट सेल्फ चार महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए एंड यू बिकेम द कैप्टन ऑफ द क्लब ठीक है तो वहां भी एक एक गुस्सा इस बात का भी है फैन बेस में कि विदाउट proving himself he became the captain hmm. just on the basis of the price tag theek hai kyunki aap ye dekho ki mcguire ka career kabhi itna acha nahi raha ke jahan usne over achieve ki ho cheeze ya kuch achieve bhi kiya ho basically he got relegated with sheffield he got relegated with hull city as well theek hai na तो दो relegation face करके आया बंदा and Leicester में भी he was not the player, the go-to player जिसको आप कह सकते थे वो नहीं था वो basically. तो अब मैं अगर बात यहाँ पे आकर इस इस चीज पे डिस्कस करूं कि मैग्वार अगर कैप्टन होकर भी बेंच पर बैठा है तो उसमें गलत क्या है क्यों नहीं कर सकते क्या आसनल ने ओबामियांग को नहीं वो किया बेंच में चलो केस जो भी था उसका यू you नो know, वो डिफरेंट डिसिप्लिनरी इश्यूज थे डिफरेंटरी ठीक है आसनल ने भी अच्छा खासा पैसा दिया था एंड तो ओबामियांग वॉज दी बेस्ट प्लेयर फॉर थ्री स्टेट सीजन मैग्वार के साथ तो वो है भी नहीं सीन

बेटर डिफेंडर दें हिम को लेके आके सो आई डोंट नो वेल द रिस्क इज वेल द रिस्क इज हियर आई थिंक रिस्क ही है कि व्हाट कि क्या यूनाइटेड लाइक like, क्या मैनेजर या क्या यूनाइटेड विल फाइंड मोर इम्पोर्टेंट तो मैग्वायर की जो क्वालिटीज हैं आर देवर्थ द मिस्टेक्स दैट ही हैज बीन मेकिंग दि�

Is so important in the Premier League कि मैं बता नहीं सकताल बरान को आपने आप लेके आए थे रफायल बरान जितना मैंने फ्रांस में उसको देखा है इस France, and ही मैंने रफायल वरान को देखा है रफायल वरान इज नोन फॉर ए स्पेस ट्रैकिंग बैक ठीक Absolutely. है पोजिशनिंग वो चीज के लिए तो ये चीज में लेके आए थे कि शायद ये बैलेंस स्ट्राइकआउट हो जाएगा मगवायर और रफायल वरान के बीच में क्योंकि मगवायर बट वेन अट बट लाइकेंट बट फिर भीज दिस अपर बॉडी स्ट्रेंथ टू प्रोब्लिश रग ऑफ पीपल ठीक है इफ ही मेक्स अक बिहाइंडर इज अ रफायल वरान टू कवर फॉर हिम So, इसलिए बैलेंस स्ट्राइक करने के लेके आए थे नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज रफाइल वरान इज ऑलमोस्ट हैविंग अ सिमिलर इन ऑलमोस्ट एक सिमिलर प्रोफाइल आ गया उनको इन टर्म्स ऑफ हाउ हैरी मकवायर इज नॉट लेवल प्लेयर प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ प्लेयर प्रोफाइल ये होता है कि व्हेन

ठीक है, वन द बॉल बैक दैट इज समली आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हैज शुड बी इजी फॉर He is नोन फॉर दिस ठीक है ही इज नोन फॉर दिस बिकॉज लोग बोलते हैं कि भाई सेंट्रल डिफेंडर कैसा कैसे हो गया इसकी पेस तो इतनी है बट हिस्ट दिखाया नहीं है अब तक लाइक like, शानदार ऐसे कंसिस्टेंट पेस ऐसा दिखाया नहीं है करेक्ट if आई एम wrong, Mohak, like, लाइक

की थी ठीक है ना सीजन के बीच में आपको वेस्ट वाला गेम याद तो वही नहीं 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 मैं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स ने गलतियां नहीं की इवन वेंडाइक इन दैट सेवन टू डिफीट अगेंस्ट है ना या फिर उसके बाद जब वाटफोर्ड वाला गेम था जब डीनी ने यू नो शायद वॉटफोर्ड ने चार मारे थे ठीक है चार मारे थे उन्होंने होते हैं कुछ गेम्स ऐसे होते हैं ठीक है ना बट एट तो भूल, भूल वरान इतना अच्छा नहीं खेल रहा और वो सही बात है वरान इज नॉट प्लेइंग वेल बट हमें ये देखना पड़ेगा कि मैनेजर खुद इतना हाई लाइन बोल रहा है कि दोनों डिफेंडर्स हाई लाइन रहेंगे बेसिकली जब आप हाई लाइन खेलते हो तो एक डिफेंडर जो बॉल कैरी कर रहा है उसके पीछे आपको एक शेडो डिफेंडर रखना रखना पड़ता है हम दोनों डिफेंडर्स को एक ही लाइन पे मेंटेन करके रखे हुए हैं आप तो आपको में वो तो उल्टा होना देखना, भाई। वो तो उल्टा वो, होना वो देखना आप कि स्पर्स वाले गेम में वरान वॉज इन मिडिल हाफ ठीक है ना अब ये बताओ मुझे ये कहां से लॉजिकल है कि जिस प्लेयर के पास यू नो

<laughs> जिद आ, मैं ये लगाना भूल गया बट इट हैपेंस कोई नहीं आज मैंने कोई? हरकत कर दी मैं क्या बोल रहा था हाँ क्या हो गया? तो ज, अरे मैं वो करता हूँ ना ये कि मीटिंग में ये 40 मिनट का वो ना हो बट अब हो गया चलो कोई नहीं <laughs> बमर 40 मिनट वाला पॉडकास्ट डल जाएगा एनी <laughs> <Anyways, laughs> तो वो पता है क्या प्रॉब्लम थी जब यूनाइट जैसे यूनाइटेड के, के केस में क्या है दे डोंट हैव बहुत अच्छे बिल्डअप मैकेनिज्म तो इतने पैटर्न पैटर्न्स इन्वॉल्व नहीं और इतने एक तो गोलकीपर इन्वॉल्व नहीं कर सकते एक तो वहीं पे थोड़ा वो हो जाता है यू कैन नॉट इन्वॉल्व योर गोलकीपर उसके बाद तुम्हारे सारे डिफेंडर्स नहीं कर सकते बस मैगवायर एक जो कह लो तुम इलीट, इलीट प्लेइंग में इवन वरान बीन सेफ ऑन द बॉल दिस सीजन तो क्या होता है दूसरी टीम पता है क्या करेगी दिल भी अच्छा वो बोल देंगे कि मैग्वायर को तो प्रेस करो जैसे इस पे बॉल है क्योंकि यही करेगा जो प्रोग्रेस करेगा इसे करने मत दो बेसिकली और बाकियों पे बॉल जाए तो जाने दो

फुल बैक्स को खिला रहे हैं मिड फील्डर्स को खिला रहे हैं तो उनका सीजन तो ऐसा लाइक वन ऑफ द वर्स्ट सीजन आई हैव सीन एनी टीम हैव लाइक इन टर्म्स ऑफ इंजरीज हरकतें ओन गोल्स खाए हैं ओ ब्लैक हैज बीन डॉग शिट वो जो आप वो तो गोल याद होगा फर्स्ट लेवल वाला क्या पोजीशनिंग थी भाई ओ ब्लैक कर रही है ओ ब्लैक लाइक पास्ट 5 6 सीजंस का बेस्ट कीपर ऑन द प्लेनेट हां तो दिस इज If United wins,

रैंग के साथ देनी है तो एक तो ये रीजन है और ऊपर से कि उनकी फॉर्म इतनी बेकार है प्लेयर्स की कि आई जस्ट कैन नॉट सी वो हरकत है पर पता है एक जाओ उसने पता है पिछले चार गेम्स में पांच गोल मारे हैं अभी तक यूनाइटेड वाले गेम में, गेम में कम बैक किया था उसने पिछले चार पांच गेम में उसने ऐसे पांच गोल मारे हैं ये स्कोरिंग अब उसका ऐसा टाइम है कि स्कोरिंग फ्रॉम एनीथिंग हो रही है ये मतलब एनी थिंग स्कोरिंग ना टैप पर बन गया क्या, क्या फॉक्स हाँ कुछ भी कह लो वो ही स्कोरिंग गोल्स तो एक तो वो देखना होगा कि कैसे डील करेगी यूनाइटेड और ऊपर से ग्रीजन भी लास्ट मैच मतलब, में भी जो था बहुत कैसे बोलूं छोटी छोटी चीजें वो कर जाते भाई, उसने क्या कलर मारा था वो जो पोल पे लगा था

And then... भाई पर अगेन uh, मेरे को याद है जब ये वैन बिशा का लिया था और वो जब लिया था तब तो ऐसे था कि यूनाइटेड ने एनालिटिक्स वगैरह सब मतलब इट वाज अ वेरी लाइक द लुक वाज कि इट वाज अ वेरी स्ट्रेटजिक साइनिंग हां थी थी आई एग्री पर I ये एग्री बट बट ओले के अंडर हां ओले के अंडर विनायक वी यूज्ड यू नो वी ओनली यूज्ड टू प्ले ऑन काउंटर्स ठीक है ना ऑन काउंटर्स ही इज स्टिल वेरी गुड

हाँ, ये बताओ कि यूनाइटेड चेल्सी को वो करते हैं ना राइवलरी और वो है ना थोड़ा बीफ है ना हाँ, 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 है मिस्टर हा चेल्सी इन द मड एक महीने तक छोड़ूंगा नहीं आई आई नॉट नॉट बिकॉज राइवलरी अपनी जगह है बट एथिक्स अपनी जगह है फुटबॉल क्लब लाइक दैट ठीक है उसका उसका ओनर चाहे जैसा हो उसने जो hmm. भी किया हो यू नो बट यू आर डिस्ट्रॉइंग यू नो लेगेसी एक आपकी जो इंग्लिश फुटबॉल की लेगेसी है ना चेल्सी इज वन ऑफ पावर हाउसेस इन द लीग तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो उसे क्लब को नीचा गिरा के एंड डोंट टेक मतलब ये शायद बहुत ही आगे चल के आदिदेव को गुरुजी को समझ में आएगा चेल्सी का फैन बेस बढ़ेगा इस इंसिडेंट के बाद देख लेना तुम देख, तुम देख देख लेना, ये ये जो जो होती ना गेम की, की बहुत सारे लोगों को attract करती है है तरफ, आपकी तो वो आपको शायद फॉलो करना शुरू करे क्योंकि वो एक जो कहानी होती है ना रिवाइवल की वो अगर चेल्सी ने अच्छे से पूरी कर ली तो इट विल बी ब्रिलियंट स्टोरी फॉर देम पता है मैं आई बी ऑनेस्ट पता नहीं अब मेरे को क्यों आई है आई डोंट नो कि व्हाई आई एम दिस वे कह लो कि lack of emotion कह लो कि एकदम कि एकदम ही इज अ कॉर्नी एकदम मतलब समझ रहे ही इज अ क्या बोलूं मतलब ही इज मैं मैं, uh, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे सकता हूं बट लेस देन अ मिनट में नहीं क्योंकि uh, अच्छा हां अरे हां अब हां तो. uh, uh, वो तो काफी लंबा जाएगा मेरा तो so, यार पर मैं क्या कह रहा था तुझे बनाना पड़ेगा मैं एक तो मेरे को कुछ इमोशन नहीं है ना इस ऐसी सिचुएशन को लेके अरे ठीक है होने तो क्या हो जाएगा कर ले <laughs> नहीं, नहीं नहीं थोड़े लाइक like, लाइक like, अच्छा देखा बुरा भी देख लेंगे